रेडियो मारा रचना 107.8 FM, मैं आरजी सागर। जैसा कि आपको पता है कि मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर, तो चलिए उसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 150 घंटों का लॉन्गेस्ट लाइव शो हम यहाँ पर होस्ट करने जा रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे लेकर चले तो हमारे साथ एक और यहाँ पर बहुत ही खास मेहमान मौजूद है इस टाइम, डॉक्टर देवेंद्र वशिष्ठ। प्रोफेसर है एंड हेड है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं सर। हजारों इनके स्टूडेंट जो हैं वो बहुत कुछ सीख के यहाँ से निकल चुके हैं और दुनिया भर में अलग अलग चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र से हम बात करेंगे आज फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स, बायोफ्यूल एंड ईवी के बारे में, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर देवेंद्र का। सर वेलकम टू रेडियो 107.8 FM। थैंक यू। सर सबसे पहला मेरा आपसे जो सवाल रहेगा वो मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के करंट स्टेट को जानना चाहूंगा। करंट स्टेट क्या है अगर आप बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, एंड एग्जैक्टली किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबिलिटी गोल्स की तरफ। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मानव रचना का और पर्टिकुलरली आपका कि आपने मुझे शो के लिए निमंत्रण दिया ताकि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, बायोफ्यूल्स जो कि सस्टेनेबल गोल्स की तरफ हम जो काम कर रहे हैं उन सस्टेनेबल गोल्स की तरफ हम और किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली भारतीय जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से बेहतर तरीके से इन सस्टेनेबल गोल्स की तरफ काम करे। जी, इस डायरेक्शन में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो 5 सस्टेनेबल गोल्स हैं जिनको फुलफिल करती है। वो है गोल नंबर 3, और गोल नंबर 3 बताता है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गोल नंबर 7 दैट इज़ द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। गोल नंबर 11 दैट इज द सस्टेनेबल सिटीज एंड कंज्यूमर्स। एंड देन देयर इज ए गोल नंबर 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 13 दैट इज द क्लाइमेट एक्शन। तो ये 5 जो गोल्स हैं इनको हम अच्छे से फुलफिल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चाहती है कि इन गोल्स को फुलफिल किया जाए। अब आपने बात की कि फ्यूल एफिशिएंट, जैसे कि आपने बताया, एफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि कितने कम फ्यूल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी अपने व्हीकल से तय कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इसको जनरली 100 किलोमीटर्स में हाउ मच लीटर ऑफ फ्यूल विल रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द 100 किलोमीटर ऑफ ट्रेवल, वो ऑन एन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि भाई 1200 kg का अगर आपके पास में व्हीकल है तो उसके अंदर हाउ मच अमाउंट ऑफ द फ्यूल इट विल रिक्वायर, तो लगभग 5.23 liters ऑफ फ्यूल विल बी रिक्वायर्ड। एंड वी आर ट्राइंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आर ट्राइंग विद इट्स न्यू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस कि हाउ दैट फ्यूल कंजम्पशन कैन बी रिड्यूस्ड। तो हमारा गोल ये है कि वी विल ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ 4 liters पर 100 kilometers, तो यानी कि 4 liter फ्यूल के अंदर हम 100 kilometers को कवर कर पाए और उससे ऊपर 1200 kg का कोई नॉर्मल व्हीकल हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारा फ्यूल किस तरीके का है, इजीली अवेलेबल है कि नहीं है, उसके अंदर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो हम ऐसा फ्यूल डेवलप करना चाह रहे हैं जिसके अंदर जो कैलोरीफिक वैल्यू हो वो हाई लेवल की कैलोरीफिक वैल्यू और ईजिली अवेलेबल हो, और उसको स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना वो बड़ा सुगम हो। तो इस तरीके के फ्यूल के ऊपर हम ज़्यादा रिसर्च हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने वो चीज़ बता दी। जैसे सर ने कहा कि फ्यूल एफिशिएंट इंजन, यानी कि कितने फ्यूल में आप उस गाड़ी को रन कर सकते हैं, और सर ने कहा हम टारगेट चेज कर रहे हैं कि हम कम फ्यूल में ज्यादा माइलेज निकाल पाए सो दैट कि कम उस चीज का कंजम्पशन हो और ज्यादा हम उसका आउटकम जो है उससे ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा, डिफरेंस क्या है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स में और कन्वेंशनल इंजन्स में। ना, फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स लगाते हैं जिससे कि हमारा जो एफिशिएंसी है वो बढ़े। तो उसमें हमारे डीजल इंजन्स में हम इसको एक टेक्नोलॉजी बोलते हैं CRDI, दैट इज कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम, और गैसोलीन में भी
GDI जिसको हम कहते हैं जी, दैट इज द गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप ऑफ द सिस्टम, उसके अंदर हम जो नॉर्मली हमारे पास में पुराने समय में जो कन्वेंशनल जो व्हीकल्स होते थे उसमें पहले कार्बोरेटर लगा हुआ आता था, आजकल वो हमने हटा दिया है, अब उसकी जगह MPFI दैट इज द मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हमारे पास में आ गया, और अब एक और डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज द VVTI वेरिएबल वाल्व टाइमिंग सिस्टम। तो आपने देखा होगा कई जगह गाड़ियों के ऊपर लिखा VVTI इंजन्स, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, यानी कि हम क्या करते हैं कि जब आदमी, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम भागते हैं तो उस समय में ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब हम नॉर्मल चल रहे हैं उस समय में कम ऑक्सीजन की जरूरत। इसी तरीके से व्हीकल जब वो हाई स्पीड पे, जब उसको फ्यूल की तेज़ी के साथ जा रही है, तो उसको ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा एयर की रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम वेरिएबल वाल्व टाइमिंग जो सिस्टम है वो लगाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जब इंजन बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है तो उस समय उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों चीज़ें पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारे को जो एफिशिएंसी है, यानी कि जो हमारे को आउटपुट जो मिले वो ज़्यादा मिले। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर उसके अंदर हम लगाते हैं व्हीकल के अंदर, ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़े। तो इस डायरेक्शन में VVTI इंजन्स हो गए, GDI हो गए, CRDI टेक्नोलॉजी हमारे पास में होगी, सुपर चार्जर्स हो गया और टर्बो चार्जर्स हो गया। ये उस जगह इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन जो है, क्योंकि फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो कम हो रहती है, तो वहां पर सुपर चार्जर्स और टर्बो चार्जर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड दीज आर कन्वेंशनल इंजन्स। हाँ, ये लगते हैं हमारे पास में जो फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स के अंदर लगते हैं, और कन्वेंशनल व्हीकल्स के अंदर ये सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स जो फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं वो कंपोनेंट्स नहीं लगे हुए। तो इनका अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ, मदर नेचर की बात करूँ, तो ये किस तरीके से फर्क है, लाइक पॉल्यूशन लेवल की आप बात कर लें, चाहे और किसी पैमाने पे आप उस चीज को देख लें। हाँ, नेचुरल है कि जगह हम फ्यूल एफिशिएंट हमारे व्हीकल्स हम बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे को फ्यूल की जो मात्रा है वो कम लगेगी, यानी कि हम कम अमाउंट ऑफ फ्यूल से हम ज़्यादा दूरी तक हम जा सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पॉल्यूशन है, कम फ्यूल बर्न करेंगे तो पोल्यूशन का लेवल भी उसमें कम होगा। इसके अलावा भी हम फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल में ये तो टेक्नोलॉजी होगी कि हम फ्यूल को किस तरीके से बर्न करें, दूसरे हमारे पास में और भी टेक्नोलॉजी होती है जो कि हम एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर लगाते हैं, जो कि जो हम बाहर, अगर हमारे पास में फ्यूल अगर एग्जॉस्ट के अंदर जा रहा है तो हम किस तरीके से उसको छान करके उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेज हैं उनको हम किस तरीके से निकाल के हम निकाल दें, तो वो वाले जो सिस्टम्स हैं दोज आर बीइंग फिटेड एट द एग्जॉस्ट या टेल पाइप एमिशंस को हम किस तरीके से रिड्यूस करें, तो वहाँ पे वी आर हैविंग सर्टेन सिस्टम्स उसके अंदर हमारे व्हीकल के अंदर लगे हुए होते हैं, तो ये जो वो लगे होते हैं फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स के अंदर, ताकि हमारा पॉल्यूशन लेवल भी कम हो और हमारा जो इनटेक है फ्यूल का वो भी कम। तो इन दोनों तरह के इंजन्स की बात हो गई, ये बात हो गई मदर नेचर के एनवायरमेंट की। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब इन दोनों इंजन्स को मैं एक टेबल पे रखता हूँ तो कॉस्टिंग की बात करना चाहूंगा। अगर हम फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स की बात करते हैं, दैट मींस कि बहुत कुछ हमने इनमें लगा दिया, कॉस्टिंग शायद उसकी बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं, तो कितना फर्क आता है इनकी कॉस्टिंग में ना? अब ये जो कॉस्टिंग का नेचुरल है कि हम व्हेन वी आर यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड वी आर यूजिंग मोर अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट्स जो हमारे व्हीकल्स के अंदर लगे हुए हैं, तो नेचुरली देयर विल बी एन इंक्रीज इन द कॉस्ट एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल इंजन्स के रिक्वायरमेंट में। लेकिन कई जगह हम एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल इंजन्स, ये वाले इंजन्स के अंदर हम स्मॉल साइज इंजन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी मटेरियल सेविंग होती है और कहीं ना कहीं हम इस जो हमारा जो प्राइस जो बढ़ रहा है हम उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो मोर और लेस व्हेन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है इन वॉल्यूम्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो हम कॉस्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर रहे हैं, और कोशिश आगे हमारी ये रहती है कि कन्वेंशनल इंजन्स के इक्वलेंट ही हमारे फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स हमारे बने। अब आप पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस, नेचुरली इन द अगर हमारे पास में टाइप ऑफ इंजन किस तरीके का है, अगर हमारे पास गैसोलीन या पेट्रोल इंजन है हमारे पास में, तो जनरली इसमें जो मार्जिन जो रहते हैं वो 30 से 35, और वो किस फोर व्हीलर्स के अंदर कितने सिलेंडर का इंजन है वो उन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा डिपेंडेंट रहता है किस तरीके का है। तो मोर और लेस 30-40 हज़ार रुपये का नॉर्मली हमारा ये फ़र्क रहता है, जबकि डीजल में ये थोड़ा सा फ़र्क जो है वो ज़्यादा रहता है। जी जी, बट इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा अफोर्डेबल ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा बायोफ्यूल्स के बारे में, लाइक जो बायोफ्यूल इंजन होते हैं वो होते क्या है एग्जैक्टली?
बेसिकली जैसे आपने टर्म इस्तेमाल किया बायोफ्यूल, बायोफ्यूल मीन्स हम धरती से ही उस फ्यूल को जनरेट करते हैं, यानी कि वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। जो हम धरती नॉर्मली हमारे जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं वो हम धरती से निकालते हैं और उसको हम छान करके और पेट्रोल और डीजल अलग तरीके के कंपोनेंट्स उसमें से निकालते हैं और फिर हम उसको व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बायोफ्यूल्स के साथ में ऐसा नहीं है। बायोफ्यूल्स में हम जो कुछ पौधे हैं जिनको हम उगाते हैं और उनके थ्रू हम जैसे कि इथेनॉल है हम बनाते हैं, शुगर केन से इथेनॉल हम बनाते हैं, या हम ऑयल है जैसे जट्रोफा, करंजा, इस तरीके के जो सीड्स हमारे पास में अवेलेबल हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे पास में, हम उन सीड से तेल निकाल करके हम बायोफ्यूल्स का हम बनाते हैं। तो इन बायोफ्यूल्स को बनाने का मकसद ये था कि हम मदर अर्थ से कुछ चीज जो दबी हुई है उसको वहीं पे ही रहने दें और रिन्यूएबल टाइप है, मतलब हम उससे पैदा करें और उसका इस्तेमाल करें। और इससे क्या, इससे एक और चीज़ हम जो सरकारें हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग देशों की, वो ये चाहते हैं कि जो हमारे किसान हैं उन लोगों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो, उनकी जो क्रॉप्स जो हैं उनको जो पैसा नहीं मिलता है वो वाला जो पैसा है उनको लगे। इसीलिए हम कहते हैं कि शुगर केन हमारे देश में भी ये लागू हुआ है, 5% हम इथेनॉल का मिक्स करके पेट्रोल के अंदर हम डिलीवर दे रहे हैं जितने भी ऑटोमोबाइल्स का, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोर और लेस उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है इथेनॉल की और गैसोलीन की वो लगभग कंपेरेबल है और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे दूसरे एक देश है जैसे एक ब्राज़ील है, वहाँ पर वहाँ के किसानों को मदद करने के लिए 27% इट इज मैंडेटरी वहाँ पे है कि 27% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही हैं और 78% जो व्हीकल्स हैं वो इस तरीके के मिक्सचर फ्यूल से वहाँ पे चल रहे हैं। तो सर मैंने काफी सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, अगर मैं बायोफ्यूल्स की बात करूँ तो उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आती है कि बायोफ्यूल्स जो है वो फिट होते हैं अगर आप एक ब्रॉडर पिक्चर देखें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की। क्या ये स्टेटमेंट सही है, एंड अगर सही है तो इसकी वो पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है? देखिए बायोफ्यूल्स का जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि बायोफ्यूल्स को हम रिन्यूएबल टाइप एनर्जी है, हम उसको वो कभी ख़त्म नहीं होगी और उससे हमारे किसानों को भी फायदा है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है सस्टेनेबिलिटी, जो ट्रांसपोर्ट की बात आपने करी है उससे जो एमिशंस जो निकलते हैं वो एज कम्पेयर्ड टू कन्वेंशनल फ्यूल्स वो एमिशंस कम होते हैं, क्योंकि बायोफ्यूल का जो स्ट्रक्चर है अगर हम केमिकल अंडर डेप्थ में अगर हम जाएं उसके केमिकल स्ट्रक्चर में इनबिल्ट ऑक्सीजन होता है, तो जब वो बर्न करता है वो प्रॉपर बर्न करता है और उसमें CO2 जो निकलता है CO की वैल्यू बहुत कम निकलती है, हाइड्रोकार्बन्स की वैल्यू बहुत कम निकलती है, जो भी बर्न करेगा वो CO2 ही बाहर निकलेगा, यानी कि हमारा प्रॉपर कम्बशन होने के कारण उसके अंदर जो हम एग्जॉस्ट की वैल्यू जो निकाल रहे हैं या एमिशंस की वैल्यू निकाल रहे हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फ्यूल्स वो बहुत कम होती है। दूसरा है ये बार बार मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि हम उसको एक बार वो हम इस्तेमाल कर लें उसके बाद वापस हम उसको उगा करके हम वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी बेहतरी के लिए, और दूसरा हमारे किसानों को भी इससे फ़ायदा होता है। दूसरा एक और चीज़ है कि इससे एमिशंस या पोल्यूशन के अंदर भी कमी आती है। एक और बहुत अच्छी जो चीज़ होने वाली है कि अगर हम जैसे कि हाइड्रोजन आज की एक डेट में हाइड्रोजन भी एक फ्यूल आ रहा है तो, और आगे आने वाले समय में ऐसा बताते हैं कि ऐसा हमारे लिटरेचर के थ्रू और साइंटिस्ट भी हमको बताते हैं कि ये हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो कि फ्यूचर फ्यूल हम इसको हम कह रहे हैं, और ये भी हम पानी के थ्रू हम इसको डिसोसिएट करके हाइड्रोजन को वी कैन जनरेट हाइड्रोजन एंड वी कैन यूटिलाइज दिस एज ए फ्यूल इन द इंजन इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूल सेल। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं बायोफ्यूल्स के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो क्या कोई लिमिटेशन या चैलेंज है जो बायोफ्यूल्स के यूज या प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, बायोफ्यूल से एक जो है एक दो तीन ऐसे लिमिटेशंस हैं जो कि हमारे को सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम इसको इस्तेमाल किस तरीके से कर पाएंगे। पहला लिमिटेशन ये है कि हमारी जो खाने वाली फसलें हैं, खाद्य फसलें जिसको हम कहते हैं, उनके साथ में ये कंपटीशन है, क्योंकि अगर हमारा ज़्यादा वैल्यू हमारे को मिलने लगी इन वाले फ्यूलों से तो जो किसान हैं वो खाने वाली फसलों की शॉर्टेज हो जाएगी, या लैंड का जो हम उपयोग है जो हमारे को खाने के लिए फसलों को उत्पादन में करना है हम उसकी जगह अगर हम फ्यूल उगाने के लिए कर लेंगे तो एक हमारे जो खाने फूड की जो वैल्यू है या फूड के लिए जो जगह चाहिए वो वाली वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा है एक और है कि इनको बनाने के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है,
जब हम इसको रिफाइनिंग करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसएस्टरीफिकेशन प्रोसेस, वो ट्रांसएस्टरीफिकेशन प्रोसेस में और फाइनल प्रोडक्शन में वी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, और ये सारा जो पानी है वो हमें आसपास के जो जहाँ पे भी हम इंडस्ट्री लगाएंगे वहाँ पे हमारे को वहाँ से हमारे को लेना पड़ेगा। तीसरी जो जो एक और चीज़ है वो है कि ये जो बायोफ्यूल्स को जो बनाने में कॉस्टिंग भी एक बड़ा फैक्टर है कि क्या जो हम बना रहे हैं वो उसकी कॉस्ट जो है अफोर्डेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो वो कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं। तो ये तमाम वो लिमिटेशंस है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे प्रोडक्शन की बात करें या फिर आप उसके यूजेज की बात करें। सर क्या कोई ऐसा सक्सेसफुल एग्जांपल आप बता सकते हैं जहां पर बायोफ्यूल के इनिशिएटिव जो हैं वो लिए गए हों और उनका कोई ऐसा इम्पैक्ट रहा हो जिसने कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया हो? बिल्कुल, मैंने अभी आपको एक ब्राज़ील का बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताया है। तो ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहां पे अभी 78% व्हीकल्स जो है वो बायोफ्यूल यानी कि इथेनॉल का जो मिक्सचर है उससे चल रही है, और वहाँ पर 27% इथेनॉल को मैंडेटरी है पेट्रोल गैसोलीन के पेट्रोल के साथ मिक्स करके बेचना। तो वहाँ से नेचुरली उनको किसानों को भी फायदा हुआ है, और दूसरी जो चीज़ है वहाँ पे जो एमिशंस की जो लेवल है वो भी कम हुए हैं बायोफ्यूल के इस्तेमाल से। जी, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी बदौलत शायद इंडिया में भी उन सबको बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक स्मार्टर वे है अगर हम उसको रेशो के हिसाब से देखें। जैसे हमने कहा 27% ऑफ एथेनॉल वो यूज कर रहे हैं पेट्रोल, हम लोगों के पास में इतने प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है एथेनॉल की। हम लोगों ने 5% इसलिए रखा या 10% इसलिए रखा क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे शुगर केन होता है, लेकिन अगर हम शुगर केन से एथेनॉल बनाना शुरू कर देंगे तो हमारा जो खाने में जो हम चीनी या दूसरे जो पदार्थ हैं वो उसके लिए एक दूसरा कहीं संकट ना हो जाए। तो इस कारण से वी हैव कैप्ड भाई हमें 5% या 10% ही हमें जाना है। तो बैलेंस वे में हम चाह रहे हैं कि खाने की दिक्कत ना हो और साथ साथ हम उसमें भी कुछ तो एक बैलेंस जो है वो वहाँ पे कर पाए उसको सस्टेन। सर अब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट काफी पुराना है लेकिन मार्केट में अब आमतौर पे ईवी हमें देखने को मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइक स्कूटर या आप गाड़ियों की बात कर लें। तो किस तरीके से ईवी जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सस्टेनेबिलिटी के एफर्ट्स में एंड उनके मेन एडवांटेज क्या है जब आप उनको कंपेयर करेंगे ओवर दोज ट्रेडिशनल इंजन व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे जो खास बात है कि जब ये कंजस्टेड एरिया में जैसे हम सिटीज के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसके अंदर एमिशन जीरो के बराबर है, कोई एमिशन नहीं होता है, जिसके लिए हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार भी इसको चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सिटीज़ के अंदर आए क्योंकि सिटीज़ एक हॉट चैम्बर्स की तरह हो गए हैं जहाँ पर अगर हम नॉर्मल व्हीकल्स के जाएं तो एमिशन लेवल्स बहुत हाई है, हीट भी काफ़ी जनरेट होती है। तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो चीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में नहीं है, एमिशन बिल्कुल भी नहीं है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ईवीज़ के साथ में ये है कि वो नॉइज़ कोई प्रोड्यूस नहीं कर रही है, कोई नॉइज़ पोल्यूशन इसके साथ में नहीं हो रहा है। तीसरा ईवीज़ के साथ में ये है कि कोई मूविंग पार्ट नहीं है, मूविंग नंबर ऑफ पार्ट्स आर वेरी लेस जो उसके अंदर जो बनते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक छोटा सा एक अनुमान आपको मैं दे देता हूँ कि हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल व्हीकल्स के अंदर जो पार्ट्स हैं वो 10,000 से ऊपर हैं, 11,000 के करीब हैं, जबकि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो पार्ट्स हैं वो 1,000 के आसपास हैं। तो वी आर डिजास्ट्रिकली रिड्यूसिंग द मूविंग पार्ट्स इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये जो सारे एडवांटेजेस हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में एसोसिएटेड हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे जो है कस्टमर्स तक हमारे पास में पहुँचे। दूसरा एक जो एक चीज़ बहुत लोगों ने ध्यान नहीं कराया, हम एमिशन को सिटीज से हमारे विलेजेस की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे इसका क्यों लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो हमारी जो प्रोड्यूस हो रही है वो थर्मल पावर प्लांट से हो रही है, और ईवीज को चार्ज करने के लिए हमारे को जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी वो जनरली 60-75% जो एनर्जी है वो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। तो अगर हम उसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं आप ईवीज को फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग तो हम क्या कर रहे हैं, शहर का जो पोल्यूशन है वो गांवों की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उस ईवीज को रिन्यूएबल सोर्स से हम चार्ज करें यानी कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें या टाइडल एनर्जी का हम इस्तेमाल करें अगर या जियोथर्मल एनर्जी का हम इस्तेमाल करें तो हम
अपनी जो 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 एमिशंस जो विलेज का तरफ ले रहे थे इन द फॉर्म ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तभी हमारा जो ईवी का जो कंसेप्ट है जब भी बेहतर तरीके से लागू हो सकता है, अगर हम अपनी बैटरीज को जो चार्ज करने के लिए जो हमारी एनर्जी है वो किसी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू हम प्रदान करें। जी तो सर, ईवी की और कुछ लिमिटेशंस अगर आप बता पाएं, क्या कुछ चैलेंजेस कुछ ईवी के फील्ड में हम देख पा रहे हैं अभी, या लिमिटेशंस आ रही हैं अभी कुछ करंट उसके प्रोडक्शन में एंड यूसेज में? ईवीज के साथ में सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है हमारे बैटरीज के, हम हमारे देश पर्टिकुलरली हमारे इंडिया में उसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज द लिथियम आयन, जो कि जिससे हम बैटरी बनाते हैं, जो कैपेबिलिटी है वो हमारे लिथियम रिजर्व्स है नहीं। ऑल्दो अभी कुछ समय पहले जम्मू क्षेत्र में कुछ लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं, लेकिन दीज आर एट द इनिशियल स्टेजेस। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू इंपोर्ट द लिथियम सेल्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, पर्टिकुलरली चाइना एंड द बोलिवियन कंट्रीज विच आर हैविंग द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिथियम। वी डोंट हैव इन इंडिया दिस काइंड ऑफ द रिजर्व्स। तो एक तो रॉ मटेरियल हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अगर हमें जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर का एक चैलेंज है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ वी हैव टू शिफ्ट अवर कन्वेंशनल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फ्रॉम द कन्वेंशनल इंजन इंडस्ट्री से ईवी इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। और तीसरी जो चीज़ है दैट इज द चार्जिंग स्टेशन। कस्टमर क्यों खरीदेगा अगर उसको कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा अगर उसको व्हीकल को चार्ज करने के लिए? तो ये भी एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश में अभी तक पूरी तरीके से फैला नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी कंपनियां आगे आई हैं और आगे मतलब जो उसका रेट ऑफ ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, पिछले 3 सालों में हमने देखा है। तो हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये चैलेंज को हम बड़ी आसानी से कवर अप कर लेंगे। सर, एज एन एक्सपर्ट मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा ऑन की एडवांसमेंट्स ऑफ ईवी। जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी रेंज एंड उनका जो मेंटेनेंस है एंड उनकी जो सबसे मेजर चीज है ऑन रोड जो प्राइसिंग है उनकी, लाइक जो अभी अगर आप उस चीज ईवी की तरफ जाते हैं गाड़ी खरीदते हैं तो जो स्लाइटली आप नॉर्मल गाड़ी खरीदते हैं पेट्रोल या डीजल की तरफ, तो उससे थोड़ी सी आपको वो कॉस्टली पड़ती है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है क्योंकि कॉमन मैन अगर उस चीज को वैसे देखने बैठे तो ठीक है ईवी पे जाने को तैयार है, लेकिन दो मेजर चैलेंजेस है, एक तो रेंज, एक उसकी कॉस्ट। तो इसके आप कैसे देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या कुछ चीजें इस फील्ड में की जा रही हैं, किस तरीके से एडवांसमेंट को लाया जा रहा है? हाँ, अगर आप ईवी को देखेंगे तो ईवी दो कंपोनेंट में आज की डेट में विभाजित होता है, एक तो व्हीकल पूरा और एक है बैटरी, दैट इज द एनर्जी जो उसके लिए। जी, 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईवी इज द बैटरी। बैटरी की कॉस्ट 50% है। कोई भी व्हीकल आप ले रहे हैं, अगर टू व्हीलर्स आप ले रहे हैं, अगर वो उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की, तो उसके 50,000 की उसकी बैटरी। यू कैन इवन इन द डिफरेंट कंपनीज आर रेडी टू सोल्ड देयर व्हीकल एट द 50% कॉस्ट विदाउट बैटरी, यानी कि 30-35 हज़ार रुपये में वो अपने व्हीकल को बेचने के लिए तैयार है अगर बैटरी ना दें तो। तो मेन जो एडवांसमेंट जो हो रहा है वो दैट इज द बैटरीज। बैटरी की तरफ मैंने अभी आपको बोला लिथियम आयन बैटरी है, तो वी आर लुकिंग एट सम अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन। तो इन दैट डायरेक्शन अवर रिसर्चर दे आर वर्किंग ऑन सोडियम आयन। सोडियम इज जो कि हमारा नमक जो होता है उसमें जो सोडियम होता है जी, उससे हम एक्सट्रैक्ट करके और सोडियम को, एंड वी आर ट्राइंग टू डेवलप सम सेल एंड वी हैव गॉट सम मतलब ना कुछ हमारे को स्टेप्स भी मिले हैं, हमारे को कुछ उपलब्धियां भी मिली हैं इस डायरेक्शन में, एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन इन दिस डायरेक्शन। वी आर अनदर एरिया इज अबाउट द जिंक आयन बैटरीज आर देयर व्हिच आर हैविंग ए लॉट्स ऑफ पोटेंशियल टू होल्ड एनर्जी इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी जो डेंसिटी है जिंक एयर एंड जिंक आयन टाइप ऑफ द बैटरीज है उनकी काफ़ी अच्छी होती है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 किलो या 2 किलो वेट के अंदर अगर वो बैटरी हम डेवलप कर पाए पूरी तरीके से तो दैट कैन गो अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर्स तक हम एक बार चार्ज में हम अपने व्हीकल को लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से वो शायद कॉमन मैन तक पहुँच सकती है क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा तो इसीलिए रेंज एंग्जाइटी जो है जो कस्टमर जब वो खरीदता है तो उसको ये लगता है कि अभी मेरी इस बैटरी से आगे मैं कितना किलोमीटर तक चल पाऊंगा, या मेरे को आगे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ताकि मैं अपने व्हीकल को चार्ज कर लूं। और तीसरा है कि चार्जिंग टाइम बहुत लग रहा है कि भाई हमारे को 2 घंटे अपने व्हीकल को चार्ज करने में लगेंगे, या फास्ट अगर डीसी चार्जिंग भी है तो एटलीस्ट उसको 30 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक उसको वेट करना पड़ेगा अपने व्हीकल को चार्ज करने में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने जो कस्टमर है उसको अच्छा नहीं लगता है उस सारी चीज़ों।
चीज़ों को, और लोग अब इसकी तरफ, या हम लोग जो रिसर्चर्स हैं वो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो लोग अभी कुल मिला के हिचकिच जाते हैं, हिचकिचा कि मल्टीपल चीजें उनके समक्ष खड़ी हैं, किस तरीके से चार्ज करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो सर अब मैं एक लाइफ साइकिल एनालिसिस की बात करना चाहूंगा ईवी के, और साथ साथ मैं कंपेयर करना चाहूंगा विद द कन्वेंशनल व्हीकल्स। अगर आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बन इमिशन एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी, अगर मैं 10 साल दोनों गाड़ियों का इस्तेमाल करता हूँ तो इनकी लाइफ साइकिल कैसे रहने वाली है? तो बेसिकली अगर हम लाइफ साइकिल जो अपने एनालिसिस हम करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक व्हीकल जो है अपनी पूरी लाइफ के अंदर करीब करीब 1.5 लाख किलोमीटर अपनी व्हीकल अपना आगे चलती है। तो जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, कई बार रिसर्च पेपर्स भी इस डायरेक्शन में आए हैं, तो उनका ये कहना है कि 29% जो है एमिशंस लेस है। वो एमिशंस हम ये लेकर के चल रहे हैं कि जो हम एनर्जी ले रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो उसके लिए भी हमें जो है वी आर यूटिलाइजिंग सम सोर्स विच इज पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट। तो उस तरीके की हम एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें ये पता लगता है कि 29% to 30% लेस एमिशंस है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल जो है आईसी इंजन बेस्ड टाइप ऑफ द व्हीकल्स है हमारे पास में। तो पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, यानी कि अगर 1.5 लाख किलोमीटर अगर हमारी कन्वेंशनल व्हीकल चला और वहीं पर हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला, तो हमारा जो सेविंग होगा इन टर्म्स ऑफ एमिशन दैट विल बी, और यानी कि कार्बन फुटप्रिंट हम बेसिकली उसको डिफाइन करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट 30% लेस होगा एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल व्हीकल्स। ये ओवरऑल लाइफ साइकिल की बात होगी। अब इसी पॉइंट पर अगर आगे चलता हूँ तो सर, इन दोनों में से कन्वेंशनल इंजन व्हीकल्स और ईवी में से, मान लीजिए 1.5 लाख किलोमीटर वो चल गई गाड़ी, उसके बाद कौन है जिसके ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स रिसाइकल हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं, कौन सा सेगमेंट है इनमें से? बेसिकली हमारे पास में जो ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका जो बैटरी कंपोनेंट है, जो कॉस्टलियर कंपोनेंट है, उसकी रिसाइकलिंग बड़ी आसानी से हो सकती है। okay. उसके जो हमारे जो, क्योंकि देखिए हमारे देश में लिथियम मैंने बताया कि वो मिलता नहीं है, और उसके साथ में जो लिथियम के साथ में अटैच जो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज द कोबाल्ट हो गया या निकल हो गया, ये दीज आर द प्रीशियस मेटल्स। तो हमारे वी कैन यूटिलाइज और वी कैन रिसाइकल दोज बैटरीज, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं उस मटेरियल को बाहर निकाल करके, अगेन दैट कैन बी रिसाइकल्ड। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा जो है कन्वेंशनल व्हीकल्स जो है उनकी भी हम रिसाइकलिंग दोनों की कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम कॉस्ट करें कि रिसाइकल करने के बाद में किसके किस में ज़्यादा फायदा होगा, तो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, पर्टिकुलरली बैटरी वाले कंपोनेंट, क्योंकि दीज मटीरियल्स जो उसके लिथियम और दीज आर कॉस्टलियर मटीरियल्स, तो उसकी रिसाइकलिंग करके अगर हमारे को मटीरियल मिलेगा तो उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा। जी, तो नेचुरली ईवीज़ के हम बेटर वे में हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो अभी हम 3-4 एस्पेक्ट से, 3-4 तरीके से हम ईवी को एनालाइज यहाँ पे कर चुके हैं, तो ओवरऑल हमें देख पा रहे हैं कि ईवी बहुत हद तक कारगर है हर एक चीज में, चाहे आप बात करें इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, चाहे आप बात करें इन टर्म्स ऑफ कार्बन इमिशन, वो भी उसका कम है, आप बात करें इन टर्म्स ऑफ रिसाइकल एंड रीयूजिंग ऑफ दैट थिंग, तो उसमें भी आपको ज्यादा आउटकम उसका देखने को मिलता है कि सबसे जो कॉस्टलियर पार्ट है आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। मोर ओवर सर ने कहा कि एक कन्वेंशनल व्हीकल जो होता है, कन्वेंशनल इंजन व्हीकल्स, उसमें 10,000 से 12,000 तक आपको पार्ट्स देखने को मिलते हैं, और ईवी में हार्डली आपको 1,000 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली ईवी बहुत सारी चीजों में एक विन विन सिचुएशन में हम उसको पाते हैं। तो सर अब ईवी के सामने के चैलेंजेस क्या है, हम क्यों हर एक घर में ईवी नहीं देख पा रहे हैं? आपको लगता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज है हमारे सामने जिसकी बदौलत हम उसको अडॉप्ट कर नहीं पा रहे हैं, या और कुछ चैलेंजेस जो आपकी नजर में हो? ईवी के साथ में बेसिकली कस्टमर्स जो है पर्सपेक्टिव है कि रेंज एंग्जाइटी इतना है कि है ना, जो पहले भी मैंने बात किया इसके बारे में रेंज एंग्जाइटी कि कोई कस्टमर खरीदने से पहले उसके ये साइकोलॉजी, भाई ये कितना चलेगी, आप एक बार आप इसको चार्ज कर दोगे तो पहले स्टार्टिंग में जब व्हीकल ये लॉन्च हुए थे ईवीज, तो उस समय 100 किलोमीटर्स एक बार चार्ज में, उसको 100 को हम अभी लेके 300-400, ये इवन सम व्हीकल्स आर क्लेमिंग कि भाई हम इन ए सिंगल चार्ज हम 500 किलोमीटर्स इन ए सिंगल चार्ज वी कैन मूव द व्हीकल। तो
तो इस तरीके के न्यू न्यू जो मटेरियल्स जो आ रहे हैं, न्यू न्यू नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पर्टिकुलरली इन द एनर्जी स्टोरेज वाले में, बैटरी वाले सिस्टम के अंदर, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो रेंज है वो काफ़ी बढ़ रहा है और कस्टमर्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। दूसरा एक और चीज़ है, सिंस द बैटरी का कॉस्ट जो है वो 50% है एंड बैटरी की जो लाइफ है जो कई लोग क्लेम करते हैं 6 ईयर्स है, 7 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, तो कस्टमर ये सोचता है कि मेरे को 8 साल के बाद में वापस इसके अंदर नई बैटरी जब मैं डलवाऊंगा तो उसका 50% कॉस्ट उसके अंदर डालना पड़ेगा मुझे, तो अगेन इट विल बी ए कॉस्टलियर अफेयर एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल फ्यूल। तो दिस इज अनदर चैलेंज, हाउ वी कैन रिड्यूस, तो हमारे चैलेंज नंबर टू है, हाउ कैन वी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बैटरीज, उसकी बैटरी को कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस करें ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को मीट कर पाए। तीसरी जो चीज़ है, कस्टमर को ये लगता है कि अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में फैला नहीं है, तो अगर मेरे को यहाँ से जयपुर जाना हो, मेरे को फरीदाबाद से जयपुर जाना हो या फरीदाबाद से मेरे को कहीं भारत के किसी दूसरे कोने पर जाना हो, तो मैं अपने व्हीकल को लेके नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये एक हेजिटेशन है कि लंबी दूरी तक हम अपने व्हीकल को ले नहीं जा सकते, सिटी लाइफ के लिए ठीक है, एंड दिल्ली एनसीआर में अपने व्हीकल को चला रहे हैं तो ठीक है, या मेट्रोज में अपने व्हीकल को चला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाहर। तीसरा जो चीज़ है दैट इज द स्किल्ड मैन पावर, मेरी व्हीकल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो मेरे को आज की डेट में स्किल्ड मैन पावर उसको मेंटेनेंस या उसको करने के लिए अभी तक है नहीं, हमें उस डायरेक्शन में भी काम करना है, हाउ वी कैन स्किल दैट मैन पावर। और तीसरा है कि वी डोंट हैव द स्किल्ड मैन पावर, ये समझ लीजिए स्किल्ड इंजीनियर्स आर नॉट देयर हु कैन टेक केयर ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हु आर कमिंग ऑन हु विच रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ द मतलब ना उसके देख रेख के लिए जो हमारे को इंजीनियर्स की जरूरत है वो अभी मार्केट के अंदर नहीं है मेंटेनेंस को लेकर। तो सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आपके ओपिनियन में किन किन चीजों को हम अगर फिक्स करें तो ईवी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी, ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी, ज्यादा डिमांड में आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल वे से अगर आप देखें तो किन किन चीजों को अभी हमें फिक्स करने की जरूरत है? दो चीजें हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को प्रॉपर होना चाहिए जी। जैसे पेट्रोल स्टेशन हर एक 2 किलोमीटर में मिलते हैं वैसे अगर हमारे को चार्जिंग स्टेशन 2 किलोमीटर में मिले तो एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, और दूसरा है हमारे को बैटरी टेक्नोलॉजी, हमारी ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी हो जो कि ईवी के दामों को कम करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बात करना चाहेंगे करंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स के बारे में जो बैटरी टेक्नोलॉजी को बनाने में इस्तेमाल की जा रही है, कौन कौन से करंट वो ट्रेंड्स हैं जो बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम इंस्टॉल करते हैं? तो उसमें हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लिथियम आयन मैंने आपको बताया, एक सोडियम आयन मैंने बताया, जिंक एयर बैटरीज है, इसके अलावा एक बहुत अच्छी जो चीज़ है दैट इज द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो BMS लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि एक सेफ्टी इश्यूज बहुत आ रहा है व्हीकल्स के अंदर, आग लग जा रही है कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज, तो हमारे पास BMS हम उसको बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो तीन चार चीज़ें बड़ी अच्छी से कंट्रोल करता है, एक तो है वो सेंस करता है कि कितना टेम्परेचर है सेल्स का, तीसरा है सेल बैलेंसिंग का भी वो देखता है कि हर एक सेल जब हम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बैटरीज जो है वो 40-50 सेल्स एक साथ जोड़ते हैं सीरीज या पैरेलल के अंदर, तो हमारा पूरा बैटरी पैक बनता है। अब उसमें वो सारे सेल जब हम उसको चार्ज करें तो ऐसा ना हो कि कहीं एक सेल जो है वो चार्ज ही नहीं हुआ और दूसरा सेल पूरा चार्ज हो गया, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उनके चार्जिंग में तो वो। और तीसरी जो चीज़ है, कहीं सेल्स के बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं कोई हॉटस्पॉट आ गया, टेम्परेचर राइज हो गया, उसको सेंस करने का काम जो है हमारा BMS करता है, और जैसे ही वो उसको सेंस करता है, और पर्टिकुलरली राइज टेम्परेचर कब होता है जब हम जनरली उसको चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, हम उसे एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं, उस केस के अंदर भी टेम्परेचर राइज होता है, तो उन दोनों अवस्थाओं में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इस चेक करता है कि हाँ टेम्परेचर राइज है, अगर एक लेवल से टेम्परेचर ऊपर आ गया तो वो उसको टेम्परेचर को वो चार्जिंग को बंद कर देता है। जैसे कि आपने मोबाइल सेल में भी देखा होगा, अगर हीटिंग हो जाती है मोबाइल के अंदर हम चार्ज करते हैं तो हीटिंग हो जाती है, अपने आप ही वो लिखा आ जाता है कि आपके पास में इट हैज़ गॉन बियॉन्ड द सर्टेन
इट हैज़ गॉन हीटेड अप या बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर। तीसरी जो चीज़ है कि भाई हम उसको ज़्यादा करंट से ना चार्ज करें, क्योंकि बैटरी की जो लाइफ है ये इन सारी बातों के ऊपर डिपेंड करती है कि हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज और पर्टिकुलर करंट की वैल्यू से हम अपनी जो सेल्स हैं उनको चार्ज करें। देखिए अगर आप वी कैन पुट मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर एक साथ ही हम काफ़ी सारी एनर्जी, लेकिन उससे क्या होगा बैटरी की जो लाइफ साइकिल है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक सिंपल आपको आइडिया देता हूँ कि जो हमारे पास में लिथियम आयन बैटरी है वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर इट इज़ हैविंग 800 टू 1000 लाइफ साइकिल्स, यानी कि 800 से 1000 बार हमको चार्ज डिस्चार्ज का प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो अगर हम उसको फास्ट चार्जिंग करेंगे तो वो जो लाइफ साइकिल है इट विल गेट रिड्यूस टू समवेयर 400 टू 500 एंड दैट वी डोंट वांट, वो हम नहीं चाहते। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हमारी बैटरीज के अंदर फिटेड होता है ऑलरेडी, जिसको हम डिज़ाइन करते हैं, वो इस सारी चीज़ को रेगुलेट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर एरिया में, और भी इसके अंदर काफ़ी गुंजाइश है जहाँ पर और भी अच्छा काम हो रहा है जी। तो आने वाले टाइम में हमें बहुत ही जल्दी बहुत सारे जो हमारे मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे जब हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ईवी। सर मैं जानना चाहूंगा उन तमाम पोटेंशियल इम्पैक्ट्स के बारे में जो हमें फेस करने को मिलते हैं करंटली जब हम ईवी बैटरीज को प्रोड्यूस करते हैं या उन्हें डिस्पोज करते हैं, क्योंकि अब हमने पर्टिकुलर बात करी है गाड़ी की कि ये मैंने गाड़ी ले ली और इसका ये हुआ वो हुआ कार्बन एमिशन कम हुआ। अब हम पर्टिकुलर बैटरी के ऊपर आ रहे हैं उसकी प्रोडक्शन में और उसके डिस्पोजिशन में, क्योंकि वो काफी एडवांस्ड है, क्या क्या चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल थिंग्स, क्योंकि हम लोग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए जो हम एनवायरमेंट की अगर हम बात करें कि फर्स्ट पॉइंट है कि लीकेज जो कई बार क्या होता है बैटरी सेल्स से कुछ लीकेज लिथियम आयन जो है वो कहीं लीकेज ना हो जाए। अगर वो लीकेज हो गया पानी के अंदर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और पानी के अंदर वो कहीं लीकेज हो गया तो वो एक्वेटिक लाइफ को और वो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है हम उसका जो लिथियम है इट इज़ वेरी फ्लेमेबल, मतलब बहुत जल्दी आग पड़ता है, मतलब है ना सस्टेन नहीं कर सकता एनवायरनमेंट के अंदर जो लिथियम मटेरियल है जी। तो उसको उसको प्रॉपर उसका डिस्पोजल होना चाहिए। अगर आपने बैटरी बनाई है बैटरी उसका लाइफ साइकिल पूरी हो गई, अगर हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो इट कैन गो थ्रू द वाटर चैनल्स के साथ में मिल करके और हमारा जो जो वाटर है या हमारी अर्थ है उसको है ना उसको पल्यूट करेगा। यानी कि बेसिकली आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि जहाँ पे हमारा जो लिथियम मटेरियल हमारी धरती के अंदर या ऊपरी सतह के ऊपर अगर आ जाएगा फ्री फॉर्म में तो वहाँ पे पैदावार होना कम हो जाएगा या कुछ इस तरीके की चीज़ें आएंगी, या पानी के अंदर चला जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ के लिए यानी कि जो पानी के जो जीव जंतु हैं या पानी की जो फसलें हैं या कुछ इस तरीके हैं तो वहाँ पर वो उसका उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो है बेसिकली पॉल्यूटिंग है और इस तरफ हमारे को ध्यान देना। तीसरी एक दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है दैट इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी। जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो बहुत तेज़ी के साथ आग पकड़ता है और उसकी आग को नॉर्मल वाटर से हम बुझा नहीं सकते। वी नीड सर्टेन केमिकल्स फॉर रिमूविंग दैट फायर। तो उसके लिए भी एक अगर आग एक बार उसने पकड़ ली तो लॉट्स ऑफ पोल्यूशन लॉट्स ऑफ एयर मतलब ना डिस्टर्बेंस विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो चीज़ भी हमारे को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे को ध्यान रखना। तो उसके भी बहुत सारे मतलब पोटेंशियल चैलेंजेस हमारे सामने हैं जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उसको डिस्पोज कर रहे हैं। तो इट्स नॉट ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन, तो कुछ चीज़ों के ऊपर और हमें काम करने की जरूरत है। हाँ एक और पॉइंट मैं थोड़ा सा आपको और बताएं, इसको लिथियम आयन को एक्सट्रैक्शन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम 100 किलो अर्थ को निकालते हैं और उस 100 किलो अर्थ में से हमारे को 1 किलो लिथियम आयन मिलेगा। तो आप उस तरीके से सोचिए कि दैट मीन्स वी आर पोल्यूटिंग दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे भी हम माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग बेसिकली डिस्ट्रॉय द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। अगर मान लीजिए हमें किसी जंगल में हमारे को लिथियम आयन मिला, हमने 100 किलो वहाँ की धरती को निकाला, उसमें से 1 किलो हम यूटिलाइज करते हैं, बाकी काम ने उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो वहाँ का जो वातावरण है वहाँ का वहाँ पे जो जीव जंतु रह रहे हैं और वहाँ का जो ट्रीज़ या
लाइफ है उसको हम पूरा उस पर्टिकुलर एरिया के लाइफ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरीके से उसको पर्टिकुलर माइनिंग एरिया को हम वेल कॉर्डन ऑफ करके और उसके फ्लोरा और फाइना को अनडिस्टर्ब करके हम किस तरीके से लिथियम को हम निकाल रहे हैं धरती से। और इसके अलावा जब आप इतना अर्थ को आप निकालोगे तो लॉट्स ऑफ एयर पोल्यूशन विल बी देयर। क्या वहाँ पे जो है आप मटेरियल को निकालोगे, मटेरियल को बाहर करोगे, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री को लगाओगे, तो ये जो एक हमारे पास में चैलेंज है कि किस तरीके से हम माइनिंग करके और प्योर लिथियम आयन डेवलप करके हम इंडस्ट्री तक पहुँचाएँ, तो दैट इज़ अगेन ए वेरी मच चैलेंज दैट वी विल सी इन द कमिंग ईयर्स टू कम। तो यानी कि एक चीज़ तो ये हो गई कि हमें अपनी माइनिंग टेक्निक्स को भी थोड़ा सा एनहेंस करने की जरूरत है सो दैट कि वो जो हमारे पास नेचुरल फ्लोरा एंड फौना है उसको हम डिस्टर्ब ना करें और इस तरीके से हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ मूव कर सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा आपकी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहूंगा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में, क्या वहां पर पॉसिबिलिटीज है, किस तरीके से वहां पे कोलैबोरेट करके बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हम ईवीज को जो है और सस्टेनेबल बना सकते हैं और एनहेंस कर सकते हैं, क्या क्या वो पॉसिबल कोलैबोरेशंस वहां पे हो सकते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में? देखिए, वी कैन हैव ए कोलैबोरेशन विद द सोलर पावर, सोलर इंडस्ट्रीज के साथ में हमारा कोलैबोरेशन, विंड जो ऑपरेशन करने जो विंड फार्म्स हम पर्टिकुलरली वी कॉल देम एज विंड फार्म, तो विंड फार्म इंडस्ट्री है उनके साथ में हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं कि हाउ दे कैन सप्लाई द एनर्जी टू द ग्रिड एंड दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग द बैटरी। एक और न्यू कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं व्हीकल टू ग्रिड, V2G जिसको हम कहते हैं। तो आने वाले वी आर डेवलपिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द मटेरियल, जो कार की जो पूरी बॉडी होगी दैट विल बी मेड अप ऑफ द सेल्स की बनी हुई होगी जिसको हम सोलर सेल्स कहते हैं। एंड ड्यूरिंग द आइडियल टाइम that energy, if your car is parked somewhere in the open sunlight, so what that car will be producing that energy and they can supply that energy to the grid, directly to the grid. If you connect the vehicle to the grid, that energy can be supplied to the grid. So and instead of taking the energy from the grid, the vehicle will become a source of power to the grid. So in that case, you can earn some amount of the money or whatever the amount of the money you will have to pay to the grid for purpose of charging, that can be reduced by using such kind of the technique. तो ये आने इसको हम कहते हैं vehicle to grid techniques, हम बोलते हैं V2G। तो in the coming years ये आप देखोगे ये technique हमारे देश में भी आएगी। जी जी जी, तो hopefully ये हमारे सामने जो है आएगी बहुत जल्दी और successful रहेगी and I am just assuming कि वो safe भी रहने वाली है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वहाँ पे safety compromise हो सकती है। जी, तो सर अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो अभी तक मतलब क्या क्या वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर किया गया है रेंज एंजाइटी को एड्रेस करने के लिए जो कि ईवी से एसोसिएटेड है? बेसिकली हम लोगों ने रेंज एंजाइटी को दूर करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस, जैसे मैंने आपसे बात की कि डिफरेंट अगर कस्टमर को जैसे हम अपने व्हीकल को हाईवेज के ऊपर लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें 2-2 किलोमीटर पे हमारे को पेट्रोल स्टेशंस मिलते हैं। सिमिलरली अगर हमारे को लोकेशंस मिलेंगी, चार्जिंग लोकेशंस मिलेंगी, तो एक पैरामीटर उसका फुलफिल हो जाएगा कस्टमर का कि उसकी रेंज एंग्जाइटी ख़त्म होगी। दूसरा है हमारे जो अभी एक कंसेप्ट आ रहा है जिसको हम कहते हैं कि बैटरी रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट आता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हम अपने एलपीजी सिलेंडर घर में आता है, पुराना सिलेंडर हम दे देते हैं, नया सिलेंडर हम उसके अंदर लगाते हैं। सिमिलरली दिस कंसेप्ट सेज कि यू विल बी हैविंग एट सर्टेन लोकेशंस डिफरेंट बैटरी विल बी स्टोर्ड एंड यू कैन चेंज द बैटरी एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो वो एक कंसेप्ट भी हम लोगों के साथ में आ रहा है। और तीसरा पॉइंट जो है दैट इज अबाउट द इंक्रीजिंग द एनहेंसिंग द रेंज ऑफ द बैटरी बाय यूजिंग सम डिफरेंट काइंड और सुटेबल मटेरियल्स हम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो है एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ा सके और आपको जहाँ पे आपको 200 या 300 किलोमीटर में आपको चार्ज करवाना था वहीं पे अगर आप हम 700 या 800 किलोमीटर पर आपको एक बार चार्ज देंगे तो दैट रेंज एंग्जाइटी कैन बी डिक्रीज्ड और वेयर देयर मतलब है ना
you will find more amount of the sales in the electrical vehicle and once you fulfill the need of the customers. Sir, क्योंकि automobile industry 5 SDGs को sustainable development goals को जो है address करती है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा उस एक दिशा में चलें कि future और sustainable हो. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से fuel efficient engines, biofuels and EVs में क्या कुछ चीजें हमें जो है मैं कहूंगा कि इंसेंटिव बेसिस पर करनी चाहिए ताकि कंज्यूमर्स जो है वो और ज्यादा अट्रैक्ट हो. जब आप बात करते हैं सरकार की या फिर पॉलिसी मेकर्स की तो क्या कुछ चीजें हमें इंसेंटिव वे में लानी चाहिए. नहीं, ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस डायरेक्शन. वी आर हैविंग अ पॉलिसी दैट वाज लॉन्च्ड इन 2019 बाय द नेम ऑफ फेम फास्टर एडॉप्शन ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम से वो पॉलिसी. उसका नाम है फेम 2. So in that FAME II, government is giving subsidies to different types of the vehicles or government ne 10,000 crore rupees is direction mein usne kaam kiya hai. So 86% jo amount hai us faster FAME policy ka, that is being given in the form of subsidy while we are purchasing the vehicle. That subsidy is directly coming given to the customers. तो अलग अलग वे में उस गवर्नमेंट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं. एक सेंट्रल लेवल के ऊपर भी ये सारा काम हो रहा है. तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया. दूसरा एक है दैट इज़ द एक और पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है. वो ये कहते हैं कि इफ़ यू आर एबल टू प्रोड्यूस इन हाउस सम components of the vehicle, advanced component of the vehicle, particularly these batteries and battery cells, agar aap khud hi bana rahe ho usko components ko, to government is giving a lots of subsidy and they had earmarked some amount of the money for that particular scheme also. So okay. Government uske upar kaam kar rahi hai. So hamare paas already kuch policies hain. Haan, policies hain puri. तो चलिए अब सर पॉलिसीज की अगर बात करें तो आपके हिसाब से क्या क्या रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं वो कंसीडर किए गए हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स को जो है एनकरेज करने के लिए. इसमें हम लोगों को जो है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम वी आर गिविंग सम कार्बन, जैसे कार्बन आप प्रोड्यूस करते हो. ओके, दैट इज द वर्ल्ड लेवल के ऊपर है हमारा कि अगर हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं तो देर आर सम इंसेंटिव्स विच आर एसोसिएटेड टू अस एंड द कंपनीज वंस दे आर एबल टू रिड्यूस दैट मच ऑफ कार्बन फुटप्रिंट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू दे विल बी कंपनसेटेड फॉर दैट. एक तो यह है. दूसरा है कि फेम पॉलिसी का जो मैंने आपको बताई है फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स का जो हमारे फेम पॉलिसी है दूसरा है. तो ये सारी पॉलिसीज जो है बेसिकली इसलिए बनाई गई हैं ताकि हमारा जो हमारा 30-30 का लक्ष्य है बाय 2030 30% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन शुड बी ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल. जितने भी हमारे अपने व्हीकल जो देख रहे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसका 30% जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होएगा 2030 के. तो गवर्नमेंट की माइंड बिल्कुल क्लियर है और हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं जो इसको डील करती है दैट इज नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर प्रेशर है उनका तरफ का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं OEMs हैं कि हाउ दे कैन शिफ्ट टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. जी जी जी. अब हम बात करना चाहेंगे फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स, बायोफ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं टू एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी. बेसिकली हम सबको मालूम है कि हमारे देश में ओनली वी आर हैविंग 10% ऑफ द पेट्रोलियम फ्यूल एंड 90% वी आर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम द ओपेक कंट्रीज और द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. तो दैट मीन्स लॉट्स ऑफ आवर कंसी. आप एक छोटा सा अनुमान आप देखिए वट एवर द रेवेन्यू वी आर जनरेटिंग फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो हमारा देश कमाता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से वो सारा के सारा पैसा वी आर सेंडिंग इट टू द फॉर द परचेज ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ओके, तो उसके इक्वलेंट हम दूसरे देशों को हम वो पैसा दे देते हैं. तो ये मोटा मोटा तौर पे एक हिसाब है कि जितना हम अर्न कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से वो सारा के सारा पैसा हम अपना पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को परचेज करने में हम अपना लगा देते हैं. तो एक तो ये हो गया कि इफ वी आर यूजिंग
these technologies, particularly biofuels and electrical vehicles, because if we are able to provide this energy to the electrical vehicles through some renewable energy source, naturally our dependence on the petroleum products will be reduced, and we don't have to depend on other countries for our and for our imports. First point, and our currency will not be sent utilized for that for the purchase of this kind of the petroleum products. तो वहाँ पे हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस हो जाएगी, एंड नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वी कैन यूटिलाइज दैट अमाउंट विच वी आर सेंडिंग इट फॉर द परचेज. हाँ, वी कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन इन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज वेयर इन आवर एनर्जी सिक्योरिटी कैन बी एनहेंस्ड. सर, अगर मैं ईवी की बात करता हूँ, अभी तक जो बात करी हमने वो लिमिटेशंस की, हमने बहुत सारी बात कर ली है, और ईवी की बैटरीज बात कर ली है, क्या कोई नुकसान है ईवी का आपके हिसाब से, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए? बेसिकली अगर हम देखें, दो ही इसके मैंने आपको दोनों पॉइंट बड़े अच्छे से समझाए थे विस्तार से. पहला है माइनिंग के अंदर, फ्लोरा एंड फौना को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्योंकि जब हम माइनिंग करते हैं. दूसरा है इसके अंदर एक और है कि वी आर शिफ्टिंग our pollution from the city to the rural areas. Once we are utilizing the energy, जो हम जितने भी thermal power plant हैं उनके ऊपर load बढ़ेगा. अगर हमारे 30% हमारा transportation अगर EVs के ऊपर आ गया, that means we will require lots of energy and we can take that energy from the grid. And how the grid will sustain? They will be sustained because of, they are sustaining because of the thermal power plants which are located at some remote location. Okay. तो वो भी thermal power plants भी emission create कर रहे हैं. तो अगर हम उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बेसिकली इसको आप ये समझिए कि जो हम एमिशन सिटीज में दे रहे थे पेट्रोल के कारण या डीजल के यूटिलाइजेशन के कारण, अब वही एमिशन इन टर्म्स ऑफ कोल हम बाहर जो रूरल एरियाज में हम उस एमिशन को दे रहे हैं. बट इफ वी कैन यूटिलाइज द विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग अवर बैटरीज, अगर ये हम कर पाते हैं, तो हम उस नुकसान को या सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरफ बेहतर वे में जा सकते हैं. जी, तो ये वो पॉसिबल हार्म्स हैं, वो नुकसान है जो देखिए ईवी के हैं. डेफिनेटली हर चीज की अपनी कॉस्ट होती है और कुछ बेनिफिट होता है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज मोटे मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि इसकी कॉस्ट जब आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, जब हम उस कॉस्ट की बात करते हैं तो बेनिफिट या फिर कहूँ आउटकम हमें ज्यादा मिल रहा है वहां पे, और हमें उसकी कीमत जो है वो कम चुकानी पड़ रही है. सर, अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की, जब हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो क्या कुछ चीजें हमें बदलनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें जो है बदलाव में लानी चाहिए ताकि हम और थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्टेनेबल बना पाए और लोगों को और थोड़ा सा हम मोटिवेट कर पाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ वो बढ़े, सो दैट कि हम और थोड़ा सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा पाए. बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आज की डेट में हम लोग ये देखते हैं रोड्स के ऊपर जो हमारा जो इतना बड़ा ट्रैफिक है, वहाँ पे आप देखिए कि एक बहुत बड़ा एरिया रोड के ऊपर, अगर व्हीकल के अंदर एक सिंगल आदमी बड़ा एरिया लेकर के चल रहा है, आप उस तरीके से देखिए, तो कंजेशन क्यों हो रहा है? अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एक छोटे एरिया में काफ़ी लोग मूव कर सकते हैं, जबकि हम रोड के ऊपर हम देखते हैं कि हमारा ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि एक छोटे से एरिया के अंदर काफ़ी बड़े एरिया में एक सिंगल आदमी का मूवमेंट हमारे को मिल रहा है. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम और बेहतर बना करके और शेयर ट्रांसपोर्ट की हम भी बात कर सकते हैं, जहाँ पे एक व्हीकल के अंदर जिस अगर पांच या छह की सीटिंग है तो वो पूरी तरीके से भर के वो व्हीकल जाए, शेयरिंग बेसिस के ऊपर मूवमेंट होना चाहिए. दूसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बेहतर बनेगा तो और अच्छा बनेगा, जिसके अंदर कंफर्ट आपको मिलेगा, तो नेचुरल है लोग अपना खुद का पर्सनल ट्रांसपोर्ट छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर मूव करेंगे. तो इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर वर्किंग ए लॉट, वो काम काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन और भी बेहतर इसके तरफ काम किया जा सकता है. बिकॉज एक पर्टिकुलर जगह पर पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी अभी तक इतनी हो नहीं पाई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इंडिविजुअल इस्तेमाल कर पाए. तो एक मेजर इशू यहाँ पर जो आ रहा है वो सर ने बताया कि कनेक्टिविटी बहुत सारे एरियाज में, डेफिनेटली हम भी जब ट्रैवल करते हैं कभी तो हमें देखने को मिलती है कि उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है. मोरओवर सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर रेज किया है, कार शेयरिंग.
सो शेयरिंग इज केयरिंग, ये बात हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की। तो इस एक वर्ड के साथ या इस एक पैरामीटर के साथ बहुत हद तक ये बात खरी उतरती है। तो अब कार शेयरिंग की बात करती है, तो देखिए ईवी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एथनॉल का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स है हमारे पास, और तमाम चीजें आएंगी भविष्य में। लेकिन स्टिल एट सम पॉइंट हर एक चीज का अपना एक नुकसान भी है, वो सर ने यहाँ पे स्पष्ट भी किया है। तो तमाम चीजों का नुकसान भी है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम शेयर करके चलते हैं कम स्पेस में ज्यादा लोग अगर उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, दैट वुड बी ग्रेट। अब इसी के साथ इजाजत देंगे हम देवेंद्र वशिष्ठ जी को। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा जो मुहिम लेकर चल रहे हैं सस्टेनेबिलिटी का बढ़ावा दे रहे हैं, आपने उसमें जो है लोगों तक काफी महत्वपूर्ण विचार पहुंचाए, तो तहे दिल से आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद सागर सर, आपने जो हमें बुलाया है यहाँ पे, और अपनी जो बात है जो सस्टेनेबल है, सभी का सभी लोग इसमें अपना अपना जितना भी योगदान है सस्टेनेबल गोल्स की तरफ, ताकि हमारा जो इंडिया है, पर्टिकुलरली इंडिया, पहले हरियाणा फिर इंडिया, एक स्वच्छ और समृद्ध बन पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारा सफर अभी लंबा है।